स्पॉटिंग। एक्चुअली टोटल 7 मार्क्स का स्पॉटिंग आता है आपको प्रैक्टिकल में। सवाल यह होता है कि आखिर स्पॉटिंग करते कैसे हैं। देखिए, जब आपका प्रैक्टिकल शुरू होता है उस वक्त CBSE के द्वारा भेजी गई एक नोटबुक आपको मिलती है। ये CBSE भेजता है, लगभग 8 पेज होते हैं। इसमें एक कॉपी देता है जिसपे आपको अपना रोल नंबर वगैरह ये सब कुछ भरना होता है। ये CBSE के द्वारा भेजी गई कॉपी है, कोई भी एक्स्ट्रा कॉपी आपको CBSE की नहीं दी जाएगी। एक स्टूडेंट को एक ही कॉपी मिलेगी, नो एक्स्ट्रा। एक कॉपी आपको मिलती है 8 पेज की केवल। अब फर्स्ट पेज पे तो एंट्री हो जाएगी, जैसे ही आप पेज इसका पलटते हैं जस्ट इसके पीछे आप लिखना शुरू करते हैं और लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और जो आपका कोर एक्सपेरिमेंट है वो कोर एक्सपेरिमेंट आप लिखना शुरू करते हैं। सपोज कोर एक्सपेरिमेंट में आपको मान लीजिए दे दिया DNA आइसोलेट करने का, ठीक है। तो कोर एक्सपेरिमेंट जैसे ही आपने ये एंट्री पूरा किया, आप ये पेज पलटेंगे और जस्ट इसके पीछे आप जगह स्पेस बचाएंगे। देखिए, कॉपी आपको लिमिटेड है, इस कॉपी में 8 पेज में आपको 3 प्रैक्टिकल लिखना है, 3 प्रैक्टिकल। इसलिए जगह आप बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, हॉचपॉच नहीं करेंगे, एक दूसरे में घुसाएंगे नहीं कोई भी प्रैक्टिकल को। और डायग्राम जो है एक कॉम्पैक्ट और साफ सुथरा बनाएंगे, ज्यादा छोटा नहीं होना है, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना है, कॉम्पैक्ट होना है, एकदम क्लियर होना है। तीनों प्रैक्टिकल में आपको डायग्राम्स बनाना ही होता है, डायग्राम बनाना है, जो भी जैसा प्रैक्टिकल है। लिखना कैसे शुरू करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 डाला, आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या दिया है आपको क्वेश्चन में? कि टू आइडेंटिफाई या टू एक्सट्रैक्ट द DNA, जो भी है आपका है ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा रिक्वायरमेंट, ये आपको लिखना होता है। प्रोसीजर का केवल आप हेडिंग डाल दीजिए, लिखना नहीं है, केवल हेडिंग डाल सकते, चाहो तो हेडिंग भी मत डालो, कोई जरूरत नहीं है, आपको करके दिखाना है, लिखना नहीं है। जब आप रिकॉर्ड बनाते हैं फाइल में, वहां पर आपको प्रोसीजर लिखना है, लेकिन इस फाइनल जब आप प्रैक्टिकल मेन एग्जाम दे रहे होते हैं वहां आपको प्रोसीजर नहीं लिखना है। रिक्वायरमेंट आपने लिखा, आप काम कर रहे, यहां पर आप डायग्राम बना दीजिए, साफ सुथरा अच्छा कॉम्पैक्ट डायग्राम बना दीजिए। फिर आप उसका रिजल्ट या कॉन्क्लूजन निकाल दीजिए, रिजल्ट या कॉन्क्लूजन जो भी निकल रहा है वो आप निकाल दीजिए। और लास्ट में आपको प्रिकॉशन जरूर लिखना है, प्रिकॉशन। और प्रिकॉशन भी लगभग 3 या 4 पॉइंट ही लिखना है जो मेन होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल बुक में जितनी भी प्रिकॉशन दे रखे वो सब के सब लिखना है, मेन आपको लिखना ही है, भूलना नहीं है ये स्टेप। तो ऑब्जेक्टिव, रिक्वायरमेंट, डायग्राम, रिजल्ट एंड प्रिकॉशन। अगर कोई प्रैक्टिकल में ऑब्जर्वेशन टेबल है तो डायग्राम के जस्ट ऊपर या डायग्राम के जस्ट नीचे रिजल्ट से पहले ऑब्जर्वेशन टेबल भी आपको बनाना होगा। ऑब्जर्वेशन टेबल, जैसे pH वैल्यू आप निकाल रहे, ऑब्जर्वेशन टेबल आपको बनानी पड़ेगी। आप वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बना रहे तो कितना ml पानी कलेक्ट हुआ, कितना आपने ड्रॉप किया, कितना ml वाटर होल्ड किया, तो उसका भी एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनता है। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपको बनाना है। इस मेन कॉपी में आपको कितना प्रैक्टिकल करना है? 3। एक हो जाएगा कोर एक्सपेरिमेंट, एक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपका माइनर एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको समझाए, और क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो जाएगा स्लाइड प्रिपरेशन। ये 3 क्वेश्चन आपको इसी कॉपी में करना है, ठीक है। इस कॉपी में कोई एक्स्ट्रा पेज लगाने की जरूरत ना पड़ जाए, आराम से जगह बचती है, काफी स्पेस होता है। अगर आप लिखना शुरू कर रहे और यहां तक आते आते प्रैक्टिकल 1 आपका कंप्लीट हो गया तो यहीं पर आप क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए और इस जगह को भी रिक्वायरमेंट और ये ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए यूज कर लीजिए। आप इसको खाली मत छोड़िए, बीच में स्पेस तो रखिए, 1-2 लाइन का स्पेस रखिए,
साफ सुथरा रखना है, और फिर आपको इसी पेज पर आगे कंटिन्यूअस कर देना है। ऐसा नहीं है कि एक एक्सपेरिमेंट आधा पेज खत्म हुआ और आपने आधा पेज छोड़ दिया तो फिर कॉपी कम पड़ जाएगी, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। तीन प्रैक्टिकल इसी मेन कॉपी में होना है। इसके अलावा आपको एक अलग से 8 पेज की कॉपी दी जाती है, और वो कॉपी होगी जो आप जनरल आपका होम स्कूल में जो आप एग्जाम लिखते हैं वो एक कॉपी आपको मिलेगी 8 पेज की। इस पे पहले पेज पे आपके स्कूल का नाम वगैरह इंफॉर्मेशन ये सब लिखा रहता है। यहाँ पर आप CBSE का जो भी रोल नंबर है, आपका नाम है, वो सब इस पे डाल देना, एंट्री कर देना। ये आपका स्कूल वाला कॉपी है, ध्यान देना, ये CBSE वाला कॉपी नहीं है। CBSE वाला कॉपी एक ही मिलेगा और स्कूल वाला कॉपी भी एक ही मिलेगा, जब तक कि कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता ना हो, एक ही कॉपी आपको मिलेगा। इसका पहला पेज आप पलट दीजिए, ठीक है, 8 पेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले पेज के मेन जो आपका, ये मान लीजिए अगला पेज जो आपको खुला, ये पहला पेज आप छोड़ दिए, जस्ट इसको आगे पीछे दोनों साइड में छोड़ दीजिए इस पेज को। अगला जो नेक्स्ट पेज है उस पे ऊपर इस तरह का आपका स्पेस होता है और नीचे फिर लाइन 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 रहती है, तो ऊपर यहाँ पर आपको एक अलग से जब कॉपी देंगे तो उस कॉपी पे ऊपर ही ऊपर लिखना है स्पॉटिंग 1। इस पे क्या लिखना है? स्पॉटिंग 1। पेज पलटिए, इसके बैक साइड में, इसी पेज के बैक साइड में फिर से पेज आएगा, उस पेज के ऊपर यहां पर आपको लिखना है स्पॉटिंग 2। स्पॉटिंग 2। नेक्स्ट 3 पेज पे जाइए, वहां लिखना है स्पॉटिंग 3। ऐसे करके टोटल 7 पेज पर हेडिंग आपको पहले ही लिखना है। आपके पास इस तरह के पेज तैयार हो गए, लास्ट पेज पर लिखा है स्पॉटिंग 7। स्पॉटिंग 7 ये आपने पहले ही लिख लिया है। तो ये 7 पेज तैयार करने के बाद सब बच्चों को, मान लीजिए आपको कॉपी बांट दी गई है, मेन कॉपी आपको दे दी गई है, स्पॉटिंग कॉपी भी आपको दे दी गई है, एंट्री पहले पूरा दोनों कॉपी में करना है। तो इस तरह से आपको जब ये दोनों कॉपी मिलेगी तो पहले एंट्री आप पूरा कर लीजिए। स्पॉटिंग कॉपी जो स्कूल वाली मिली है उस पे आप ऊपर ऊपर हेडिंग पे सभी 7 स्पॉट के लिए हेडिंग डाल दीजिए। क्लियर हो गया? अब एक साथ सभी बच्चों का स्पॉटिंग शुरू नहीं हो सकता, एक बार में केवल 7 बच्चे ही अपना स्पॉटिंग शुरू करेंगे, बाकी के बच्चे अपना मेन कॉपी में 3 एक्सपेरिमेंट लिखने का काम करेंगे। वो लिखते जाएंगे, एंट्री करते जाएंगे, रीडिंग नहीं लिखेंगे जब तक कि आप प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके रीडिंग ऑब्जेक्ट वहां से जब तक ले नहीं लें, रीडिंग ना ले लें, तब तक वो आप टेबल बनाते रहिए, स्पेस छोड़ दीजिए और बाद में रीडिंग नोट कर दीजिए। प्रैक्टिकल करते जाइए, रीडिंग आती जाएगी, फिर आप यहाँ पे भरते जाइए। तो बाकी के बच्चे इस कॉपी को तैयार कर रहे हैं, उसी वक्त फर्स्ट जो 7 स्टूडेंट हैं उनको एकदम से उठा लिया जाएगा, बोलेंगे आप स्पॉटिंग के लिए जाइए। तो आपकी लैब में 7 अलग अलग लोकेशन पे 7 अलग अलग आइटम रखे हुए होते हैं, उन आइटम को पहचानना है और पहचान कर स्पॉटिंग कॉपी में उनके बारे में लिखना है कि आपको उस जगह पर क्या रखा दिखा, उसकी क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या क्वालिटी है, उसका कैसा एक डायग्राम है। ऐसा करके आपको 7 बच्चों को 7 अलग अलग स्पॉटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 बच्चों को अलग अलग जगह पर खड़ा कर दिया जाता है। सपोज पहला जो रोल नंबर है वो स्पॉटिंग नंबर 1 पे खड़ा है, दूसरा जो रोल नंबर है वो स्पॉटिंग नंबर 2 पे खड़ा है, तीसरा है वो 3 पे, ऐसे 7वां लड़का है वो स्पॉटिंग नंबर 7 पे खड़ा हुआ है। अब सभी 7 जगह पर 7 अलग अलग टाइप के आइटम हैं। यहां पर 3 मिनट का समय दिया जाता है हर बच्चे को, 3 मिनट का टाइमर सेट कर दिया जाता है। आजकल तो मोबाइल में टाइमर है तो आराम से 3 मिनट के बाद वो बीप करने लगता है, और उस 3 मिनट के अंदर ही आपको उस ऑब्जेक्ट को पहचान कर उस स्पॉट के बारे में लिखना होता है। जैसे मान लीजिए मैं स्पॉटिंग नंबर 1 पे अभी खड़ा हूं, मेरा टाइमर शुरू हो गया 3 मिनट के लिए, बाकी बच्चे सब मेन कॉपी में मेन प्रैक्टिकल कर रहे हैं, केवल ये 7 बच्चे स्पॉटिंग पे खड़े हैं।
जो जिस स्पॉटिंग पे खड़ा है उसने वही पेज खोल के रखा है, जो बच्चा नंबर वन पे खड़ा है उसने स्पॉटिंग नंबर वन का पेज खोल रखा है, जो स्पॉट नंबर सेवन पे खड़ा है उसने स्पॉटिंग नंबर सेवन वाला पेज खोल के रखा है। हेडिंग तो पहले ही डाल लिए थे हम हर पेज पे। आप इसको ऐसा नहीं है कि सब बच्चे स्पॉटिंग नंबर वन का ही कॉपी खोलेंगे, नहीं, अलग अलग जिस स्पॉट पे खड़े हैं वही पेज आपको खोलना है। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए मैं स्पॉटिंग नंबर वन पे खड़ा हूं और वहां पर एक फिश रखा हुआ है, एक फिश, एक छोटे से उसमें आपका जो होता है पॉट होता है उसमें रखा हुआ है, ठीक है, फिश रखा हुआ है। अब मुझे नहीं बताया गया कि ये फिश क्यों रखा है, अब मुझे स्पॉटिंग पहचानना है, ठीक है। तो आप सीधा सबसे पहले स्पॉटिंग का ये जो लाइन है एक साइड में आप छोटा छोटा लिखते जाइए, एक साइड में हल्का सा उसका डायग्राम बना देना है, ये फिश हो गया और उसका इस तरह से आपको डायग्राम बना देना है, जल्दी इसे बनाना है और डायग्राम ऐसा हो जो लगे कि हाँ ये वही चीज है। बिल्कुल पेंटिंग नहीं करना है, स्केच नहीं बनाना है, हल्का सा ऐसा बना देना है। मान लीजिए आपको कुछ कोई दूसरा स्पॉटिंग पे कुछ दिख रहा है तो वहां पर कोई पेडिग्री चार्ट बना हुआ है, तो आप पेडिग्री चार्ट जल्दी से जैसा डायग्राम बना है ऐसा आप बना दीजिए इस तरह से, है जो भी है इस तरह से एक साइड में, और इधर आपको इसके बारे में लिखना है क्या क्या है। अब जैसे फिश के बारे में तो मुझे मालूम होना चाहिए फिश क्यों रखा होगा, एक्चुअली वो एक एक्वेटिक एनिमल है, उसमें एक्वेटिक एडेप्टेशन के बारे में मुझे लिखना होता है। तो मैं यहां सबसे पहले लिखूंगा आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले क्या लिखूंगा आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में लिखूंगा दिस स्पेसिमेन इज ए रोहू फिश विच हैव फॉलोइंग एक्वेटिक एडेप्टेशन। फिर एडेप्टेशन लिखूंगा नंबर वन स्ट्रीम लाइन बॉडी, नंबर टू रेस्पिरेशन बाई गिल्स, नंबर थ्री फिन्स आर प्रेजेंट फॉर स्विमिंग, ऐसे करके मुझे कम से कम चार या पांच जो भी जैसा स्पॉट है वो फीचर्स लिखना है। और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो रोहू फिश है और उसमें जो आप लिख रहे हैं वो एक्वेटिक एडेप्टेशन के बारे में लिख रहे हैं, इस तरह से ये मेरा पेज विद इन 3 मिनट मुझे कंप्लीट करना होता है। जो स्पॉटिंग टू पे खड़ा है वो पेडिग्री को कंप्लीट कर रहा है, पेडिग्री आप पहचान लीजिए, द गिवन स्पॉट इज ए पेडिग्री चार्ट इन विच फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फाउंड। फिर ऑब्जर्वेशन लिखिए, इनका जीनोटाइप ये है, फिनोटाइप ये है, ये रिसेसिव डिजीज है, ये ऑटोसोमल डिजीज है, जो भी है जो आपको दिख रहा है। आप पेडिग्री में दो चीज जरूर लिखना है कि वो ऑटोसोमल है या सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड है, वो एक डोमिनेंट डिजीज है या रिसेसिव डिजीज है, ये दो पॉइंट जरूर आना चाहिए। उसके बाद आप उनका जीनोटाइप लिख दीजिए और आपका काम पूरा हो गया। आइडेंटिफिकेशन मेन है, आइडेंटिफाई आपको करके लिखना है, फिर उनके फीचर्स लिखना है और हल्का सा डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है। तो अलग अलग स्पॉट पे क्या क्या होते हैं उनको थोड़ा डिस्कस कर ले, 7 बच्चे करते जाएंगे तो 7 या 21 मिनट में सभी 7 बच्चे अपना पूरा स्पॉटिंग कर चुके होंगे। हर 3 मिनट के बाद जब बीप बजेगा तो स्पॉटिंग नंबर वन वाला 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 वाला 3 पे शिफ्ट होगा, 3 वाला 4 पे, ऐसे ही जो स्पॉटिंग 7 पे खड़ा है वो स्पॉटिंग नंबर 1 पे चला जाएगा और अपना 1 वाला पेज खोल लेगा। तो इस तरह से जब 3 3 मिनट के बाद आप पूरी 7 लोकेशन पे घूम जाएंगे 7 के 7 बच्चे, तो लगभग 21 मिनट में आपका 7 स्पॉट कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा 3 मिनट और दिए जाएंगे कि किसी भी स्पॉटिंग में अगर कोई कमी रह गई तो वो सुधार लीजिए। उसके बाद आफ्टर 24 मिनट आपसे ये कॉपी कलेक्ट कर ली जाएंगी, इनको अलग रख लिया जाएगा और आप 7 को बोलेंगे कि अब आप जाकर अपनी मेन कॉपी तैयार करो, और अगले 7 बच्चों को उठा के फिर से स्पॉट पे लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से जितने बच्चे हैं उतने ही राउंड ये किए जाएंगे, एक राउंड में 7 बच्चे अपना स्पॉटिंग करेंगे, बाकी बच्चे कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होंगे, या तो कोई पीएच वैल्यू निकाल रहा होगा, या कोई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी निकाल रहा होगा, या कोई अपना मेन कॉपी ही तैयार कर रहा। मेन कॉपी के डायग्राम केवल और केवल पेंसिल से बनाना है, मेन कॉपी के डायग्राम जो 3 एक्सपेरिमेंट आपके हैं उनके डायग्राम पेंसिल से बनेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी के, साफ सुथरे, कॉम्पैक्ट बनेंगे, यहां लापरवाही नहीं होना है। स्पॉटिंग के डायग्राम पेन से ही बनाना है और बहुत ही फास्ट और क्विक बनाना है,
वो लगना चाहिए कि बस स्पेसिमेन है, कोई ज्यादा डीप डिटेल करने की जरूरत नहीं है। और हो सके टाइम मिल रहा है तो लेबलिंग भी कर दीजिए थोड़ा सा, अगर उनमें कुछ स्पेशल दिख रहा है तो लेबलिंग अगर करना है तो डायग्राम को लेबल भी कर दीजिए स्पॉटिंग कॉपी में। लेकिन मेन कॉपी के डायग्राम अच्छे बनते हैं, साफ सुथरा बनता है। ये दोनों कॉपी एक दूसरे के साथ अटैच करके सीबीएसई को भेजी जाती हैं। इसलिए अगर कॉपी में कोई मिस्टेक आप करेंगे तो कोई भी एक्सटर्नल कोई भी इंटरनल आपको पूरे नंबर नहीं दे सकता। अगर कॉपी आपकी बहुत अच्छी है और बाई चांस आप अच्छे ढंग से पीएच वैल्यू नहीं निकाल पाए तो चलेगा, उसमें कोई इतना दिक्कत नहीं है, एक्चुअली आपको प्रोसीजर मालूम है। तो रिटिन वर्क मस्ट बी एक्यूरेट क्लीन, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर आप स्पॉटिंग को गलत पहचान गए तो सीधा सीधा आप लिख ही गलत रहे तो एक नंबर कट जाएगा, क्योंकि हर स्पॉटिंग एक एक नंबर का होता है। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए, उनके कमेंट लिखिए, छोटा सा डायग्राम बनाइए और इस तरह से आप स्पॉटिंग करते चले जाइए। अब कौन कौन सा स्पॉटिंग है जो हमको दिया जा सकता है? 7 स्पॉट मिलने वाले हैं, कई जगह स्कूल में 5-5 स्पॉट भी दिए जाते हैं, लेकिन 7 यहाँ दिए जाएंगे। हम जो जनरली देते हैं वो थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये इस बार का सिलेबस है स्पॉटिंग के लिए, सीबीएसई ने भेजा हुआ है। पहला है फ्लावर एडेप्टेड टू पॉलिनेशन बाई डिफरेंट एजेंसी, विंड, इंसेक्ट और बर्ड। एक्चुअली एक फूल रखा हुआ आपको मिलेगा, एक कॉनिकल फ्लास्क में फ्लावर लाके रख देंगे स्पॉटिंग पे। आप सोचेंगे फूल क्यों रखा, सर ये गुलाब का फूल रखा है। आप बोलेंगे दिस इज फ्लावर ऑफ रोज एंड इट इज वेरी स्मेलिंग, फलाना ढिकाना, इस तरह का लिखेंगे। ऐसा नहीं लिखना, आइडेंटिफाई करो इट इज ए, आप क्या लिखेंगे सीधा सीधा पहचान करेंगे, द गिवन स्पॉट या गिवन स्पेसिमेन इज ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर या इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर या बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर। जनरली हम क्या देते हैं, विंड और इंसेक्ट वाला देते हैं, विंड और इंसेक्ट वाला, ठीक है। तो इंसेक्ट वाला होगा तो फिर जब उसकी लिखेंगे एंड दिस फ्लावर हैव फॉलोइंग एडेप्टेशन फॉर द पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट, फिर वो एडेप्टेशन आपको लिखना है। इसमें नेक्टर होता है, अट्रैक्टिव कलर होते हैं, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होते हैं, इस तरह का आपको उसमें 4-5 लिखना है और फिर हल्का सा एक डायग्राम बना देना है। तो या तो विंड का या इंसेक्ट का एक फ्लावर आपको जरूर रखा, कहीं पे कोई भी स्पॉट पे रखा हुआ मिलेगा, चाहे वो 1 पे हो, चाहे 5 पे हो, चाहे 7 पे हो, एक ऐसा फ्लावर आपको दिखेगा रखा हुआ। आपको पहचान लेना है कि हमको क्या लिखना है। दूसरा, एक माइक्रोस्कोप में एक स्लाइड लगी हुई मिलेगी, माइक्रोस्कोप एक लगा हुआ मिलेगा। जनरली ये वो जगह चुनी जाती है जहां पर लाइट, चूंकि आजकल माइक्रोस्कोप लाइट वाले आ रहे हैं तो लाइट वाले पॉइंट पे जनरली एक माइक्रोस्कोप रहेगा, उसमें एक स्लाइड ऑलरेडी लगी हुई मिलेगी। आपको केवल माइक्रोस्कोप देख के उस स्लाइड को पहचानना है कि वो किसकी स्लाइड है और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, और वो स्लाइड भी फिक्स हैं, दो में से एक ही आती है, या तो वो टीएस ऑफ टेस्टिस की स्लाइड होगी या टीएस ऑफ ओवरी की होगी। और उस स्लाइड के ऊपर एक पेपर चिपका दिया जाता है ताकि आप उसका नाम ना पढ़ लें, स्लाइड को बिना देखे ही आप लिखना शुरू कर देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए वो जो स्लाइड के ऊपर नाम लिखा रहता है उसको छुपा देते हैं हम लोग। तो आपको ऑब्जर्व करना है टेस्टिस और ओवरी में। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, जो टेस्टिस की स्लाइड आपको दिखाई देगी, मान लीजिए इस तरह की एक स्लाइड ये रखी हुई है, ठीक है। टेस्टिस की जो स्लाइड मिलेगी आपको, उसमें इस तरह के आपको पार्ट दिखाई देंगे, ये एक्चुअली सेमी फेरस ट्यूब्यूल आपको दिखेंगी, और आपको इनको ज्यादा डीप में नहीं जाना। अगर ऐसे गोले गोले से मिले और इनके अंदर सेल 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 से दिखे तो समझ जाइएगा ये टेस्टिस की स्लाइड है, और आप उसके फीचर्स लिखना डायग्राम बनाना शुरू कर दीजिए। ये सेमी फेरिस्टिब्यूल है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। अगर मान लीजिए आपको एक स्लाइड कुछ अलग मिले, आप सीधा माइक्रोस्कोप में देखिए स्लाइड कैसे दिख रही है, आपको स्लाइड दिखेगी कि साइड में इस तरह से छोटे छोटे गोले हैं, केवल साइड में, केवल कॉर्नर पे, और ये बड़े बड़े होते जा रहे हैं इस तरह से। तो समझ लीजिए ये फॉलिकल है, फॉलिकल ग्रो कर रही है और ये फॉलिकल यहां से रैप्चर होके
ओवम रिलीज किया होगा। तो जब आप कॉर्नर पे थोड़ा सा देखेंगे, यहीं पर ये गोले बने हैं, तो समझ लीजिए ये आपका ओवरी है। अगर पूरे गोले गोले इस तरह से बने हैं तो समझ जाइए वो टेस्टिस है। ये मैंने थ्योरी में भी पढ़ाया था आपको, ओवरी का आप डायग्राम देखते हैं तो स्ट्रोमा टिश्यू होता है, उसमें ये फॉलिकल डेवलप कर रही होती है, अलग अलग साइज की, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई बड़ी है, ऐसे करके। हाँ, इस तरह से टेस्टिस और ओवरी की स्लाइड को पहचाना है। तो लिखेंगे कैसे, द गिवन स्पेसिमेन इज ऑफ टीएस ऑफ टेस्टिस एंड इट हैव फॉलोइंग फीचर्स। आप सेमी फ्रेस्टिव्यू लिखिए, इंटरस्टिटियल स्पेस लिखिए, लीडिंग सेल, सर्टोली सेल, ये सब लिख दीजिए, जितने पॉइंट आपके दिमाग में आ रहे फटाफट फटाफट बस लिखते जाइए। याद करके आना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके आना पड़ेगा, नहीं तो उस वक्त आप सोचेंगे तो याद नहीं आएगा क्या लिखूं, इसलिए तैयारी करके आना है। एक स्लाइड आपको आना ही आना है। मुझे लग रहा है कि आप टेस्टिस और ओवरी की स्लाइड को आसानी से पहचानेंगे, कमेंट लिखेंगे और तुरंत से उसका डायग्राम बना देंगे, हल्का सा जस्ट एक स्केच बना देंगे। ये आपका आता है, हम इस मियोसिस को ऑनियन बर्ड को नहीं देते, जनरली छोड़ते हैं इसको, टीएस ऑफ ब्लास्टुला इसको भी छोड़ते हैं। फिर एक पेडिग्री चार्ट आपको एक पेज चिपका हुआ मिलेगा, उसमें कुछ आपको मेल फीमेल, कुछ डार्क कुछ लाइट कलर के दिखेंगे, आपको पहचानना है वो डोमिनेंट बीमारी है कि रिसेसिव है, ऑटोसोमल है कि सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड है, और फिर उनका जीनोटाइप निकालना होता है। ये पेडिग्री एनालिसिस मैंने आपको पूरा समझाया है, आप आसानी से अगर ऑटोसोमल डिजीज है तो कैपिटल ए स्मॉल ए लेके आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, अगर सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड कोई डिजीज है तो आप एक्स और वाई लेके उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है, सिंपल सा ये आपका रहेगा पेडिग्री चार्ट। तो नेक्स्ट पे जाएंगे, एक बीमारी का स्पेसिमेन आपको मिलेगा, और खासतौर पर हम या तो देते हैं प्लाज्मोडियम, तो या तो एक फोटो लगा हुआ मिलेगा या प्लाज्मोडियम की स्लाइड माइक्रोस्कोप पे लगी मिलेगी। तो प्लाज्मोडियम आप बोलेंगे, द गिवन स्पेसिमेन इज ऑफ प्लाज्मोडियम, इट बिलोंग टू प्रोटोजोआ एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया डिजीज एंड इट्स लाइफ साइकिल इज लाइक दिस दिस, प्राइमरी होस्ट दिस, सेकेंडरी होस्ट दिस, इस तरह से तुरंत लिखिएगा और एक स्केच बना दीजिएगा। या फिर मिलता है एस्केरियसिस, तो एक हमारे पास ऑलरेडी मॉडल में रखा हुआ है एस्केरिस, वो हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये अमीबा और फंगस वाला जनरली हम नहीं देते, खासतौर पे एस्केरियसिस मिलेगा या प्लाज्मोडियम वाला मलेरिया आपको मिलेगा, एक यहाँ से दोनों में से एक आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, और उस बीमारी का फीचर्स आपको लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक जीरोफिटिक एडेप्टेशन का स्पेसिमेन मिलता है, डेजर्ट प्लांट के अंदर क्या अडेप्टेशन होते हैं वो आपको लिखना होता है। उसके लिए जो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा होता है, आंकड़े का पेड़ या अकौआ का पेड़, उसकी एक डाली तोड़कर एक कॉनिकल फ्लास्क में रख देते हैं। आप वो केवल ये मत लिखना कि ये हरी पत्तियां रखी हुई हैं, आप सीधा पहचानिए स्पेसिमेन क्या है। द गिवन स्पेसिमेन इज ऑफ कैलोट्रोपिस प्रोसेरा विच हैव फॉलोइंग जीरोफिटिक अडेप्टेशन, ये आपको लिखना है, जीरोफिटिक अडेप्टेशन। फिर उसमें अडेप्टेशन क्या है, सनकन स्टोमेटा है, ट्राइकोम्स फाउंड ऑन द दिस एंड एपिथीलियम, जो एपिडर्मिस है वो काफी थिक होती है, स्पॉन्जी होती है, लेटेक्स इसमें मिलता है, ऐसे करके आप उसके अडेप्टेशन देंगे। तो अडेप्टेशन आपको लिखना होता है जीरोफिटिक अडेप्टेशन। फिर नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है आपका एक्विटिक अडेप्टेशन, वो उसमें जनरली हम फिश ही देते हैं, फिश में क्या है एक्विटिक अडेप्टेशन मिलता है, वो एनिमल से हो जाता है और जीरोफिटिक अडेप्टेशन प्लांट से हो जाता है। तो ये फिक्स लगभग हर लैब में फिक्स रखा जाता है। तो हमारा पहला हो गया एक पॉलिनेशन का, नंबर वन, नंबर टू हो गया स्लाइड का जिसमें टेस्टिस और ओवरी पहचाना है, नंबर थ्री हम यहाँ पर बात करेंगे पेडिग्री चार्ट, कोई भी एक पेडिग्री चार्ट यहाँ लगा दिया जाता है, नंबर फोर बात करेंगे एक डिजीज, या तो एस्केरियसिस होगी या प्लाज्मोडियम होगी, नंबर फाइव हम बात करेंगे यहाँ पर जीरोफिटिक अडेप्टेशन, नंबर सिक्स हम बात करेंगे यहाँ पर एक फिश है। हाँ, इसके बाद और भी कुछ लगाया जा सकता है, नंबर एक, और चूंकि अभी एक और बाकी है तो हम कोई भी उस वक्त तुरंत से एकदम आइडेंटिफाई करेंगे और कोई भी एक आइटम और आपके सामने रख देंगे, ठीक है। तो खास तौर पे बहुत सारे स्पॉट हमारे लैब में होते हैं, हमको तो केवल यहाँ पर सात स्पेसिमेन एक्चुअली हमको रखना होता है।
तो पॉलिनेशन हो गया, पेडिग्री हो गया, एक्विटिक एडाप्टेशन हो गया, जीरोफिटिक एडाप्टेशन हो गया, और आपका डिजीज हो गया, एक स्लाइड हो गया, और एक और कोई भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक और जो यहाँ पर 7 नंबर पे आपको स्पॉट दिया जा सकता है, वो जनरली हम मेंडल से उधर जेनेटिक्स से निकालते हैं। यहाँ पर आपको पैटी डिश मिलेगी, और पैटी डिश में कुछ सीड रखे हुए मिलेंगे। पैटी डिश में क्या रखे मिलेंगे? सीड। और वो सीड कैसे होंगे थोड़ा सा देखिए, पैटी डिश वाला मेंडल वाला कैसे करते हैं। एक्चुअली हम कुछ पैटी डिश ले लेते हैं, आप एकदम समझ जाइएगा, बहुत आसान है। इस तरह की पैटी डिश रखी है, अगर आपको 3 पैटी डिश मिल रही हैं और उनमें कुछ सीड रखे हुए मिल रहे हैं, इनमें क्या है, कुछ मटर के या चने के बीज पड़े हुए हैं, तो ये जब भी आपको इस तरह से मिले, अगर ये 3 मिले तो समझ जाइए ये यहाँ पर 1:2:1 की बात करेगा। तो यहाँ पर सीड जो भी है, मटर के ही सीड जनरली हम लोग रखते हैं, तो सीड बाहर से देखने पर जो फीचर्स दिखाई देते हैं वो राउंड और रिंकल्ड सीड की बात करेंगे, राउंड है कि रिंकल्ड है, और कलर की बात करेंगे कि येलो कलर है या ग्रीन कलर है। इसको लेकर आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस अगर 4 बने हैं तो 9:3:3:1 की बात करेंगे। अगर डाइहाइब्रिड दिया तो यहाँ पे बात करेंगे, मोनोहाइब्रिड दिया तो केवल राउंड और रिंकल्ड आप यूज कर लीजिए, राउंड और रिंकल्ड, और उससे आप जीरो टाइप रेशियो के बारे में बात कीजिए। तो आप बोलेंगे द गिवन स्पेसिमेन इज ऑफ, अगर 4 पेटी डिश मिली तो बोलिएगा डाइहाइब्रिड क्रॉस इन पी प्लांट, अगर 3 पेटी डिश मिले तो बोलिएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन पी प्लांट। और जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो राउंड और रिंकल्ड आप एक स्केच बना देंगे, और जीरो टाइप रेशियो 1:2:1 आप निकाल देंगे। अगर आपको 4 पेटी डिश मिला तो आपको ये वाला रेशियो निकालना होता है, और फिर आप ये वाला डाइहाइब्रिड क्रॉस यूज कर लीजिए, द गिवन स्पेसिमेन इज ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस इन विच वी कैन ऑब्जर्व द 2 फीचर्स ऑफ द पी प्लांट, वन इज द शेप ऑफ सीड एंड अनदर इज द कलर ऑफ सीड, एंड जस्ट उसका एक चेकर बोर्ड बना दीजिए, सीधा डाइहाइब्रिड क्रॉस बना दीजिए, और लास्ट में 9:3:3:1 आप कर दीजिए। चेकर बोर्ड पूरा भी ना भरे तो चलेगा, लेकिन आपको ये रेशियो पूरा लिखना है, और पेरेंट से F1 भी बना दीजिए, और F1 तक जीनोटाइप लिख दीजिए थोड़ा सा, ताकि आप लगे कि हाँ इस बच्चे को ये पूरा आता है और आपको एक नंबर दिया जा सकता है। तो इस तरह से ये फिक्स है बायोलॉजी में कि ये ही 7 स्पेसिमेन आएंगे, चाहे एक्सटर्नल कोई भी आ जाए, इंटरनल कोई भी आ जाए, स्कूल कोई भी हो, हर जगह यही सिलेबस है, हर जगह यही आपको स्पॉटिंग मिलता है। प्रॉब्लम क्या है, केवल 3 मिनट में स्पॉट पहचानना है, लिखना है, डायग्राम बनाना है, और फिर अगले 3 मिनट में नेक्स्ट पे मूव करना है। फटाफट फटाफट ये काम होगा, एक राउंड में 7 बच्चे होंगे, और बहुत आसान काम है। देखने में सुनने में थोड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन जब आप करते हैं तो फटाक से करते हैं, हर साल बच्चे करते हैं, कोई डर नहीं है इसमें, ठीक है। कौन से आने हैं मालूम चल गया। अगर आंकड़े की पौधे की पत्ती रखी है तो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जीरो टाइप अडेप्टेशन, अगर पेटिडिस में बीज रखे हुए हैं तो इसका मतलब वो आपका जेनेटिक से हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा या डाइहाइब्रिड क्रॉस होगा। मलेरिया का लिखा है या एस्केरिस का लिखा है तो या तो रखा मिलेगा, नहीं तो एक फोटो चिपका हुआ आपको मिलेगा। आपको माइक्रोस्कोप में स्लाइड लगी मिल रही है तो समझ जाइए या तो टेस्टिस की है या ओवरी की है। पेडिग्री चार्ट ऑलरेडी कोई पेपर पे चिपका के आपको देने वाला है, आपको केवल जीनोटाइप और उनका फीचर्स आइडेंटिफाई करना है। फिश में अगर बात करेंगे, एक्विटिक एडेप्टेशन की बात करेंगे, और फ्लावर की बात करेंगे तो पॉलिनेशन बाई विंड या एयर, उसके एडेप्टेशन आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरह से ये हमारा जो लास्ट पार्ट स्पॉटिंग, बच्चे बहुत डरते हैं स्पॉटिंग कैसे करते हैं कैसे करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आसानी से अब स्पॉटिंग हो जाएगी। और प्रैक्टिकल का पूरा पार्ट मैं पूरा कवर कर चुका हूँ, कैसे करना है, क्या करना है, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है।